बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। इब्तदा करती हूँ मैं अपने अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ, जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाज़रीन, आज के रिश्ते की तफसील से पहले मैं अपनी तमाम बहनों को और भाइयों से इल्तिजा करती हूँ कि आप नमाज की पाबंदी ज़रूर किया करें और हर सूरत में एक दूसरे को नमाज की तलकीन करनी चाहिए। अब मैं इस वीडियो के अनवान की तरफ आती हूँ। आज का रिश्ता जिस लड़की का है उसका नाम शगुफ्ता है। शगुफ्ता की उम्र 25 साल है, उन्होंने हिफ्स किया हुआ है। शगुफ्ता अपनी बहन भाइयों में सबसे बड़ी है। इनसे छोटी एक बहन है और बहन से छोटा एक भाई है। इनका ताल्लुक एक मजहबी और दीनी घराने से है। शगुफ्ता इस वक्त लाहौर के एक मदरसे से दीनी तालीम हासिल कर रही है। एफ़ए करने के बाद उनके वाली साहब ने शगुफ्ता को एक लड़कियों के मदरसे में दीनी तालीम के लिए दाखिल करवा दिया था, क्योंकि शगुफ्ता के वाली साहब खुद भी एक दीनी और मजहबी सोच के मालिक है, इसलिए उन्होंने अपने तमाम बच्चों को भी दीन की तालीम की तरफ रागिब किया हुआ है। शगुफ्ता के वाली साहब की आमदनी इतनी ज्यादा नहीं है। इनके घर के बाहर एक छोटी सी शॉप है, जिसके अंदर उन्होंने बच्चों के खिलौनों के अलावा फोटोकॉपी करने की मशीन भी रखी हुई है। शगुफ्ता के वाली साहब ने अपनी बेटी के लिए मुझसे फोन पर रब्ता किया है। उनका कहना है कि मेरी दो बेटियां हैं और एक बेटा है। बड़ी बेटी शगुफ्ता है, उनकी उम्र 25 साल हो गई है। मैं चाहता हूँ मैं इनके हाथ पीले कर दूँ। उनका कहना है कि मेरे माली हालात इतने अच्छे नहीं है, मैं अपने बच्चों को दुनियावी तालीम ज्यादा नहीं दिलवा सका। हाँ, अलबत्ता मैंने अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवाने में कोई कमी नहीं रहने दी। उनका कहना है कि मैंने दुनियावी तालीम की जगह दीनी तालीम को अहमियत दी है, क्योंकि असल तालीम तो यही होती है। शगुफ्ता के वाली साहब को शगुफ्ता के लिए अच्छा ऐसा रिश्ता चाहिए जो किसी दीनी और मजहबी घराने का हो, लड़का अच्छा कमाता हो, नेक और शरीफ हो। नाज़रीन, शगुफ्ता का ताल्लुक एक दीनी घराने से है। अगर आप भी मजहबी जहन के मालिक हैं और किसी दीनदार लड़की से शादी के ख्वाहिशमंद हैं, तो फिर ये रिश्ता आपके लिए बेहतरीन है। इसके साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।